अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं पिकनिक पार्टी पे जीना पार्क। तो आज हम आपको मुल्तान का जीना पार्क दिखाएंगे, किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, कैसे झूले हैं, और हम सब करेंगे एंजॉय। जी जीना पार्क, और जीना पार्क की हम आपको सैर करवाते हैं, किस तरह का जीना पार्क। चलो चलो, तो ये बेसिकली वॉकिंग पार्क है। आओ हसन, ये वाटर स्लाइड कैसे ले रहे हैं सारे स्लाइड। ये वाटर स्लाइड, वो हसन पहुंचा। ये देखो कि ये बहुत अच्छा पॉइंट था। हाँ, ये चलता रहता हसन। शूज पहन कर क्या था बस इतनी सी बात। चलो देखें जी, ये वाटर पार्क उजड़ गया है, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, या पता नहीं इसके ऊपर कोई केस वगैरह हुआ है। और ये मुल्तान में एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था जो कि जबूहाली का शिकार है। और मेरी पुरजोर अपील है कि आवाम की इस ख्वाहिश को जो लाहौर में जाके सोजो वाटर पार्क में पूरी करते हैं, वो मुल्तान जैसे इस शहर में लोगों को ये सहूलत प्रोवाइड की जाए कि गर्मियों में कम से कम इस वाटर पार्क को फॉल करके यहाँ पर इंजॉयमेंट के मौके लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि मुल्तान में बहुत शदीद गर्मी होती है भाई। ये देखें इस पार्क के मनाज़े, ये बड़ा खूबसूरत पार्क था जो इस वक्त जबूहाली का शिकार है। ये थोड़े बहुत झूले चल रहे हैं, या ये जंपिंग पैड जो आपको शायद सूरज की रोशनी की वजह से पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, बाकी तो इसका बुरा हाल हुआ हुआ है। ये देखें सोजो वाटर पार्क के लेवल का ये पार्क था जो कि इस वक्त, ये देखें क्या बुरा हाल हुआ है, ये देखें बुरा हाल हुआ हुआ है। और इसका ये देखें बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। आ गया पीछे वो, आ गया, आ गया। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जाओ अरे मजा आ रहा है, नीचे नहीं गिरना है। ये मजा आ रहा है। चलो नीचे नहीं जाना, नीचे पानी है। अब सब वीडियो में आओगे, सारे इकट्ठे हो जाओ पीछे, पीछे इकट्ठे हो जाओ, सारे सब वीडियो में आओगे। और यूं करो ये देखो चलो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक वाटर पार्क था जो कि मुल्तान में इंजॉयमेंट का बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किस्म का जरिया था, जिससे हम लोग सोजो वाटर पार्क लाहौर भूल गए थे।
लेकिन मेरी इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि इस वाटर पार्क को मुल्तान जैसे गर्म माहौल में रहने वाले बासियों के लिए दोबारा से फाल किया जाए, ताकि इस वाटर पार्क में शदीद गर्मी में आके हम बच्चों के साथ सोजो वाटर पार्क जैसे मज़े ले सकें और इंजॉय कर सकें। मेरी अपील मेरी इस वीडियो के जरिए इस मुल्तान के इंतजाम तक पहुँच जाए, अल्लाह करे। चले भाई, बाय बाय। घोड़े वाला झूलोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। कहिए हाँ, ऊंट कैमल है, कह रहा है कैमल है, ऊंट है। पकड़ के बैठना, पकड़ के बैठना। खराब हो गए। चलो उसको उतारे, उधर चलो उस ट्रैक पर, ट्रैक से घर आओ। चलो, उम्मीद है आपको ये व्लॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि ये पार्क, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हम इस पार्क की जबूहाली को आवाम तक पहुंचाएं कि एक इतना बेहतरीन फैसिलिटी मुल्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन हम लोगों की नाअहली, खासतौर पर हम लोगों की और उसके बाद इंतजामिया की नाअहली की वजह से इतना खूबसूरत सोजो वाटर पार्क के लेवल का पार्क जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। तो हमारी, हम सब की, हुरैन की भी और हसन की भी इंतजामिया से यही अपील है कि मेहरबानी करके इस पार्क को रिहैबिलिटेट किया जाए, ताकि हमारे बच्चे गर्मी का मौसम और मुल्तान में पार्कों जैसी कम सहूलियात को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। ओके, तो पार्क में जी लग गई थी भूख, क्योंकि पार्क जाके हमें कोई खुशी नहीं हुई बल्कि बड़ा दुख हुआ। तो उस दुख को मिटाने के लिए हमने सोचा कि सर्दी में खाएं कचौरियाँ, और ये साथ है इसके लवाजमात। तो हम पहली दफ़ा खा रहे हैं जी कचौरियाँ रशीदाबाद की, देखते हैं किस तरह की हैं और किस तरह की नहीं है, ठीक है? फिर आपको रिव्यू भी देते हैं इसके बाद। चलो भाई शुरू करें। पापड़ खाओ, मुझे भी दोनों एक। मजे की है ना रहन? तो गाइस, तो मेरा दिल है, चलो मैं इसको ट्राई करूं। ये देखो गाइस, ऐसे तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा। चलो लाओ लाओ, इधर चलाते हैं। कचौरियाँ खा ली हैं और ब्लॉग का जी करते हैं इख्तिताम। कचौरियाँ खा ली हैं और सर्दी है, और अब हमने पी है जी कश्मीरी चाय, जो आपको दिखा भी दिया है। ये देखिए, ये कश्मीरी चाय है, और कश्मीरी चाय पी के हम जाएंगे जी घर और इस ब्लॉग का करेंगे इख्तिताम। आई होप सो आपको आज की अपील पसंद आई होगी बाग के हवाले से। और ये हसन को स्पिनर दिला के दिया है, क्योंकि हसन की तबीयत ख़राब थी, इसको टीका लगा है, जिसकी खुशी में से स्पिनर दिलवा के दिया है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और ये देखिए, हसन घुमा के भी दिखा रहा है आपको, ये इसको हसन की बर्थडे का गिफ्ट है, क्योंकि हसन को बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दिया था मैंने।
तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको खुशामदीद ज़रूर कहेंगे, मिलेंगे जी अगले व्लॉग के अंदर। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, ब्रांड टाटा कर दो।